एशियन पेंट शेयर्स के टारगेट्स तो दोस्तों अचीव हो चुके हैं जो आपके चैनल पे एनालिसिस की गई थी। और दोस्तों 50 से 55 ट्रेडिंग सेशंस में सिर्फ इस स्टॉक ने 25% का एक फिनोमिनल रिटर्न दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम फिर एशियन पेंट्स की एनालिसिस करेंगे, क्योंकि टारगेट्स जो होते हैं वो नोशनल होते हैं एंड संभावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार। प्राइस चार्ट के ऊपर में चलें और एशियन पेंट शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करें, उसके पहले ब्रीफली इसके फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। दोस्तों एशियन पेंट एक लार्ज कैप स्टॉक है जो पेंट्स के सेगमेंट से आता है दोस्तों, और स्वॉट एनालिसिस का अगर स्कोर देखें तो 88% क्राइटेरिया में ये पास होता हुआ नजर आ रहा है, जो 19 फंडामेंटल के आधार पर ये एनालिसिस की गई मनी कंट्रोल के एप्लीकेशन पे। पाइस्ट्रोकी स्कोर की बात करें दोस्तों तो ये स्कोर है 7, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। क्वालिटी चेक्स में अमंग दी टॉप परफॉर्मर्स है और ग्रोथ स्कोर में भी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मर है। दोस्तों अगर हम इसकी वोलेटिलिटी की बात करें तो इसकी वोलेटिलिटी है 1.68 टाइम्स, अगर हम उसे बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 से कंपेयर करें, जो इसे हम लो रिस्क की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर पी रेशियो की बात करें दोस्तों तो इसका पीयर एनालिसिस के अनुसार पी रेशियो बर्जर पेंट से कम है और इवन इंडिको पेंट से भी इसका पी रेशियो कम है, जो वैल्यूएशन टर्म्स में इसे एक बेहतरीन स्टॉक बनाता है, क्योंकि एक आउट परफॉर्मर भी रहा है पेंट्स स्पेस में। दोस्तों फोरकास्ट की अगर बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ दोनों हायर हैं 3 ईयर CAGR ग्रोथ से अगर कंपेयर करें दोस्तों। क्या इसमें कोई एशियन पेंट से रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज है? तो दोस्तों एशियन पेंट्स ने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को हाइक किया है अभी एक दिन पहले दोस्तों, करीब 1.5% से 2%, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस अफेक्ट करता है पेंट कंपनी को। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे अनुरोध कर लेता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों अब स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर संभावनाओं को तलाशते हैं और फर्दर स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो एशियन पेंट शेयर की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से दोस्तों। दोस्तों एक बार हमें हमेशा दिमाग में रखनी है एक बात कि जब भी हम एक बड़ा व्यू लेते हैं और एक होलिस्टिक व्यू लेते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के आधार पर, तब जाके स्टॉक मार्केट में अच्छे पैसे बनने की संभावना बनती है। जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्मॉलर कॉन्सेप्ट के साथ में काम करते हैं तो कभी भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में लॉन्ग टर्म बेसिस पर हम कंसिस्टेंटली इनकम नहीं कर सकते। अब इस प्राइस चार्ट को ब्रॉडली हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन पे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये स्टॉक मासिव अप ट्रेंडिंग मूव में है। अब यहां पर अप ट्रेंडिंग मूव के दौरान हुआ क्या है दोस्तों, जब भी करेक्शन होता है EMA 21 के ऊपर में प्राइस सपोर्ट ले रही है, EMA 21 पे सपोर्ट ले रही है, मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं EMA 21 पे ये सपोर्ट ले रही है। इसका तात्पर्य क्या है कि जब भी प्राइस में करेक्शन होता है तो मंथली टाइम फ्रेम में EMA 21 एक वैल्यू जोन के रूप में हमें एक मौका देता है इसमें या तो क्वांटिटी ऐड करने का और या फिर दोस्तों नए पोजीशन को इनिशिएट करने का, जहां रिस्क बहुत छोटा है और रिवार्ड का पोटेंशियल बहुत अधिक है। दोस्तों फर्दर इसको प्राइस एक्शन को समझना है तो मैं आपको ड्राइंग कुछ सुपर इम्पोज करता हूं, जिससे बेहतर क्लैरिटी आएगी। अब इस चैनल को ध्यान से देखें दोस्तों, ये चैनल को प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है दिसंबर 2011 से। यस दोस्तों पिछले 10 साल से प्रॉब्ली ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस मैं इसे बोलूंगा, क्योंकि प्राइस एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए चली आ रही है कि प्राइस जब लोअर फाइबर पे आती है तो सपोर्ट लेती है
और सपोर्ट मल्टीपल देख सकते हैं लोअर फाइबर पे, और अपर फाइबर पे जब जाती है तो प्राइस का रिजेक्शन होता है, प्राइस का रिजेक्शन होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि जब भी प्राइस लोअर फाइबर पे आती है जो ऑलमोस्ट इज किसिंग टू EMA 21, तो अगेन एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी एशियन पेंट के शेयर में हमें मिलती है। अब दोस्तों इसके अनुसार फर्दर अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें तो आप देखिए इस दौरान में मिडल फाइबर जो था वो एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था, जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है प्राइस चार्ट पर। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, प्राइस में एक्सपेंशन हुआ और मिडल फाइबर को प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। अब दोस्तों आने वाले समय में क्या होगा कि मिडिल फाइबर जो है इस राइजिंग चैनल का वो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा दोस्तों। अब यहां पर हम देखें अगर अपर फाइबर तक भी प्राइस जाती है तो हम इसे मान के चलें कि अगले दो महीने में प्राइस जाती है तो इसका टारगेट जो आता है 3540 निकल के आता है सिंपली बाय सीइंग द वैल्यू एट अपर फाइबर। इसका मतलब अभी भी 15-16% का अपसाइड मूव का कुशन है, क्योंकि जब मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ तो लाइव मार्केट में एनालिसिस की जा रही है और फिलहाल प्राइस ट्रेड हो रही है 3050 के आसपास में दोस्तों। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अब एशियन पेंट शेयर के वीकली चार्ट में जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं दोस्तों तो हमें क्या नज़र आता है। नंबर वन दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रही है तो ये एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सेवरल टच पॉइंट्स हैं। इसका मतलब इस ट्रेंड लाइन के पास में जब भी प्राइस आती है तो हमें फिर से एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब यहाँ पर देखिए EMA 21 भी एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। आपको याद होगा कि जब मार्च महीने में एशियन पेंट की एनालिसिस की गई थी, टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन 16 मार्च, उस वीडियो को एकेडमिक इंटरेस्ट से जरूर देखिएगा दोस्तों, जब प्राइस यहाँ पर करीब 2400 के आसपास में थी दोस्तों और 3000 के टारगेट की चर्चा की गई थी सिंपली मार्केट की साइकोलॉजी को समझ के और ये मान के कि जो मल्टी ड्राइव करेक्शन कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रहा है उसकी समाप्ति हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर इस जगह पे एनालिसिस की गई थी, आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंस वहाँ पर मिल रहा था। इस मासिव इंपल्सिव वेव का जो करेक्शन हुआ, ये करेक्शन यहाँ पर हॉल्ट हुआ 78.6% पे। प्राइस ने उसके बाद एक्शन देखिए, मार्च के फर्स्ट वीक की कैंडल को ध्यान से देखें तो एक बुलिश हरामी कैंडल का फॉर्मेशन था जो एक इनसाइड बार है और इंडिकेट करता है कि डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट है। अब उसके बाद देखिए सब्सिक्वेंटली दोस्तों यहाँ पे प्राइस दो सप्ताह तक कंसोलिडेट करती रही और इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हुआ। और यहाँ पर देखिए जब भी करेक्शन हो रहा था तो वॉल्यूम गिरता हुआ नजर आ रहा था और सडनली वॉल्यूम एक एवरेज वॉल्यूम के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया दोस्तों। अब वॉल्यूम स्टेबलाइज नजर आ रहा है क्योंकि फिर एक नए इंपल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोस्तों 3000 का टारगेट, तभी तो 25% का रिटर्न मिलता है दोस्तों जब बड़े बड़े होलिस्टिक फिगर को हम चार्ट के ऊपर में देखते हैं। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस एक्शन के अनुसार इसने अपने पिछले हाई को यहां तोड़ दिया है। अगर हम इस इंपल्स के आधार पर सिर्फ टारगेट निकालने की कोशिश करें तो देखिए मैं फिबोनाची एक्सपांशन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूं और इसको मैं सिंपल प्रोजेक्ट करता हूं। तो अब देखिए प्राइस 3070 के आसपास में पहुंचती हुई नज़र आ रही है, जहां हो सकता है कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड होके एक करेक्शन की संभावना करे और ये जो पिछला हाई है इसको टेस्ट करे जो करीब 2850 पर है, और उसके बाद में जब बाउंस बैक होगा दोस्तों तो अगला टारगेट इसका जो आ रहा है 3370 के पास आ रहा है दोस्तों। तो टारगेट्स जो होते हैं वो नोशनल होते हैं। मंथली चार्ट में हमने देखा अल्टीमेटली वो अपर फाइबर पे कब पहुंच रहा है, जो 10 साल के प्राइस एक्शन को समझा वो 3540 के आसपास में टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों। तो ट्रेंड को राइड करने के लिए ये ट्रेंड लाइन बड़ी सूटेबल ट्रेंड लाइन है, जो हमें ट्रेंड को राइड करने में और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में मदद करेगी, ताकि हम रिस्क को भी मैनेज कर सकें और प्रॉफिट को भी प्रिजर्व करते हुए
चले जाए दोस्तों। अब चलते हैं डेली चार्ट पर ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को हम समझ सकें दोस्तों। अब दोस्तों हम रेफर कर रहे हैं एशियन पेंट शेयर के डेली प्राइस चार्ट को दोस्तों। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं तो एट अ ग्लांस हमारा दिमाग जाता है दोस्तों कि ये एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन है और प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड था, तो ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है जो इंडिकेट करता है कि अप ट्रेंड इज इंटैक्ट है दोस्तों। अब यहां पर अगर देखें दोस्तों तो इस जगह पे एक कंसोलिडेशन हुआ जो इस कप एंड हैंडल के नेकलाइन के पास में हुआ, तो इसका तात्पर्य क्या है कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया क्रिएट हो गया है। अगर प्राइस में गिरावट भी देखी गई तो 2780 से लेकर ये रेंज आ रहा है 2840 का, ये अब डिमांड जोन की तरह क्रिएट हो गया है। और हम प्राइस में अगर रिट्रेसमेंट होगा इस जोन में अगर प्राइस आएगी तो नेकलाइन तो सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगी, साथ में ये एंटायर जोन एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा और हम बाइंग आते हुए देखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगर कप एंड हैंडल पैटर्न के अनुसार अगर हम टारगेट निकालने की कोशिश करें तो एशियन पेंट शेयर का टारगेट दोस्तों जो है कप एंड हैंडल पैटर्न के अनुसार जो आता है, ये देखिए मैं इसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो ये इसे मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ, तो पहला टारगेट आता है 3250 के आसपास दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों 3500 के ऊपर इसकी पॉसिबिलिटी है जाने की। और आप देखिए ये कप एंड हैंडल उस बात को कंफर्म कर रहा है जो हमने मंथली चार्ट में देखा, जो राइजिंग चैनल फॉर्म हुआ है उसका अपर फाइबर दोस्तों। तो ट्रेंड्स जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, मार्कअप फेज में हो, तो उस समय पे दोस्तों ट्रेंड को राइड करने में एक अच्छे प्रॉफिट की संभावना बनती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। हेलो फ्रेंड्स,